नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेबाक सच के साथ। पछवाड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार से रविवार तक जो है 3 लोगों की दर्दनाक मौत होती है, और मौत का क्या कारण है वो स्पष्ट रूप से अभी तक पता नहीं चल पाया। परिजन कह रहे हैं कि बीमारी के कारण मौत हुई, लेकिन थाना क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में कानों ही कान में चर्चा है कि जहरीली शराब पीने से 3 की मौत हुई। मृतक की पहचान जो है रानी 1 पंचायत के वार्ड संख्या 10 निवासी नारायण चौधरी के पुत्र अखिलेश चौधरी उर्फ रामदास चौधरी एवं रानी 1 पंचायत के वार्ड संख्या 2 निवासी सच्चिदानंद राय के पुत्र सुनील राय एवं झमटिया घाट पर जो है दुकान चलाकर जीवन यापन करने वाले पटोरी थाना क्षेत्र के पटोरी गांव निवासी अनिल दास के पुत्र दीपक कुमार के रूप में की गई है। और इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है, इलाके में कई तरीके की चर्चाएं चल रही है, लेकिन परिजन जो है कुछ भी कहने से इनकार जा रहे हैं। परिजन सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीमारी के कारण मौत। हम आपको बता दें कि 3 मृतकों के पेट में जो है पहले दर्द उठा, उसके बाद उल्टियां हुई और इन्हें इलाज के लिए जो है निजी क्लिनिक ले जाया गया। वहां प्रथम उपचार करने के उपरांत बेहतर उपचार के लिए 2 जो मरीज थे उनको है बेगूसराय रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं तीसरे मृतक जो सुनील राय थे उन्हें इलाज के लिए पटना पारस ले जाया जा रहा था, लेकिन वो भी जो है रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। यानी 3 मृतकों के मरने का जो अंतराल है वो लगभग 24 घंटे का अंतराल है, और 24 घंटे के अंदर जो है पछवाड़ा थाना क्षेत्र में 3 परिवारों के घर में जो है मातम छा जाता है। पछवाड़ा थाना क्षेत्र में 3 लोगों की मौत जाती है और इस मौत के बाद जो है इलाके में हड़कंप मच जाता है। लेकिन इस घटना को लेकर कोई कुछ जो है खुलकर कहने को नहीं सामने आ रहे हैं, कानों ही कान में चर्चाएं चल रही है, लेकिन कोई कुछ कहने से इनकार जा रहे हैं। वहीं जब इस घटना पर प्रशासनिक पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि परिजन कह रहे हैं कि बीमारी के कारण मौत हुई है, शराब की पुष्टि नहीं हुई है कि शराब पीने से इन लोगों की मौत हुई है। लेकिन शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस महकमा लगातार कार्रवाई कर रही है, एक्साइज विभाग कार्रवाई कर रही है, लगातार शराब कारोबारियों पर नकेल कस रही है। लेकिन पछवाड़ा थाना क्षेत्र में जो 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई वो भी 24 घंटे के अंतराल में हुई, आखिरकार इस मौत का क्या कारण है वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है। लोग कानों ही कान में कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, वहीं परिजन कह रहे हैं कि बीमारी के कारण मौत हुई है। बात क्या है वह खुलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन बीटी न्यूज बिहार जो है इस मामलों की पड़ताल में जुट चुकी है। तो हम आपको थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई एक एक खबरों से अवगत कराएंगे, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, देखते रहे बीटी न्यूज बिहार। कैमरामैन रविंद्र कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।